हाँ अब कुछ ये देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ। देखो मैं रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो कुछ चीजें दिख रही है, कार्ड यहाँ पे देखो, ये बने हुए फॉर्म बने हुए, लॉग इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहे हैं, ये कार्ड के अंदर बने हुए। आपको दिख रहा है बॉर्डर, ये बॉर्डर, इस बॉर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कार्ड। कार्ड बहुत ज्यादा यूज होता है वेबसाइट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो चलो अब देखो कैसे बनाते हैं कार्ड, किस तरीके से काम करते हैं, वो आप सब देखें यहाँ पे। हो पीआरडी कार्ड, अब देखो मैं डिस्क के अंदर क्लास बनाई कंटेनर नाम की, ठीक है। मैं कंटेनर लेके चल रहा हूँ, कंटेनर बंद कर दिया मैंने, और इसके बाद आप लोग वीएस कोड भी कर लेना, अभी ओपन कर लिया। कंटेनर के बाद क्या आएगा हमारा, क्लास रो, कमेंट कर लिया। इसके बाद मैंने लिया कॉल एमडी फोर, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो हो गया कॉल एमडी फोर। अब देखो, अब मैंने डिप के अंदर एक क्लास बनाई कार्ड नाम की, सीआरडी कार्ड, और इस कार्ड को मैंने यहाँ बंद कर दिया और कमेंट लगा दिया कार्ड एंड, ठीक है। कमेंट करना बहुत जरूरी है सब लोग। आई एम जी इमेज एस आर सी, इमेज के अंदर मैंने एक लगा दी यहाँ पे, देखो इमेज दिवाली 222 222 डॉट जेपीजे, ठीक है। और इसके बाद देख लो इतना, इतने से क्या दिख रहा है आपको, देखो कार्ड से क्या होता है, पहले भी देख लो। बूटस्ट्रैप की लिंक कॉल नहीं करी मैंने अभी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ, पहले इस इमेज के हटा के आपको पहले दिखा देता हूँ कि क्या है कार्ड में क्या शो होता है। सेव किया और देखो आप, तो दिख रहा है आपको बॉर्डर, एक सबके बॉर्डर शो रहा है, ये बॉर्डर समझ आ गए कार्ड से क्या बनता है। एक मैं एक ऊपर एक क्लास लगा देता हूँ उस पर, MT4, MT4, MT4 तो जानते हो ना क्या होती है, ये समझ में आ गया कार्ड से क्या बनता है, एक बॉर्डर बन जाता है ये। तो मैंने इसी बॉर्डर पे क्या लगा दिया, एक इमेज लगा दी, वाली इमेज इमेज आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कंटेंट लिखता हूँ नीचे कुछ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो डिपेंड क्लास बनाऊंगा कार्ड बॉडी नाम की। दो चीज होती है, कार्ड होता है एक, कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी एंड, देखो इसके अंदर मैं लेता हूं पैराग्राफ, ले लिया मैंने पैराग्राफ, ये बंद कर दिया मैंने यहां पर, देखो तो आपको दिख रहा है पैराग्राफ सब लोगों को, मैं थोड़ा जूम कम कर दूं, देखो सब लोग जा रहा पैराग्राफ, और इसी के नीचे मैं थोड़ा कम करना चाहूँ तो कम कर देता हूँ, और
सी के नीचे लगा देता हूँ एक बटन, रीड मोर का, किसका, रीड मोर, रीड मोर डॉट डॉट। इसके अंदर बटन के अंदर क्या करूंगा, मैं क्लास लगा दूंगा, क्लास btn btn वार्निंग वार्निंग। देखो दिख रहा है बटन ये सबको। अब देखो यहां पे कार्डबोर्ड यूज करने से क्या हुआ, अब देखो ये कंटेंट आपको दिख रहा है, कंटेंट मैं थोड़ा यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे क्लास इसी के अंदर एक स्टाइल लगाता हूँ, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर देता हूँ, जो खुद की भी लगा रहा हूँ देखो, और कर देता हूँ लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल, दूसरा लेटर स्पेसिंग 2 कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 20 कर देता हूँ। सबको दिख रहा होगा 20 ज्यादा हो गई, 18 कर देता हूँ, तो दिख रहा है सबको, दिख रहा है आपको, मेरी आवाज आ रही है हम लोगों को, बन गया देखो तिल्ली से हाथ तुरंत कितने बन गया। अब देखो अब मैं इसी को, अब मैं ये कार्ड बॉडी का ना लगाऊं तो देखो क्या अंतर आएगा ना लगाने से कार्ड बॉडी में, देखो कैसा कंटेंट हो गया, दिख रहा है बॉर्डर से चिपक गया, समझ आया कार्ड बॉडी क्यों लगाते हैं। अब मैं इसको बंद करता हूं यहां पे, ये था कार्ड बॉडी, ये था कार्ड, और ये यहां से कॉपी किया और यहां पे आया, यहां पेस्ट कर दिया, सेम यहां पेस्ट कर दी तीनों को, और इन सब पे भी क्या लगा देता हूं MP4 MP4। देखो अब मैं क्या करता हूं, एक ऊपर हेडिंग को दे देता हूं यहां पे, यहाँ पे एक H2 लगा के कहता हूँ ITM PO Dollar कॉलेज, ठीक है, एक मैंने हेडिंग दे दी ITM कॉलेज, क्लास VJ डार्क टेक्स वाइट और टेक्स सेंटर, तो दिख रहा है सबको, देखो बाकी लोग, और देखो रिस्पॉन्स है कि नहीं ये चेक करें सब, देखो अब मैंने जो डिजाइन बनाई है वो चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स है कि नहीं है, क्योंकि मेन काम तो हमारा वही है रिस्पॉन्स होना। देख लो देखो है रिस्पॉन्स पूरा, सब लोग ऐसे चेक कर लो, देखो देख लो है रिस्पॉन्सिव, मेन चीज तो यही सीखनी है हमें कि रिस्पॉन्सिव होना हमारा काम सारा, देखो समझ आया कि नहीं आया अभी, कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इसी कार्ड में एक काम कर देता हूं, मैं इसी में एक क्लास लगाता हूं कार्ड के अंदर Shadow LG, क्या लगाया मैंने Shadow LG मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज Shadow। अब देखो पहले वाले कार्ड में आपको Shadow दिखने लगा, वो पीछे दिख रहा है सबको, पहले वाले कार्ड में Shadow पीछे से उठा हुआ है ना, इसी को कॉपी कर लेता हूं, ये लगा देता हूं सब में, देखो बन गया डिजाइन, बढ़िया एकदम फुल रिस्पॉन्सिव डिजाइन,
थ्री टैप लगा, थ्री टैप लगा ना उठे हुए से। चलो नोट करो, एक बनाओ फाइल कार्ड के नाम से, मुझे एक नोट करना है ना, बाकी सब कॉपी पेस्ट कर लेना। और लिखना कैसे, पहले बूटस्ट्रैप की लिंक कॉल कर लेना, फिर कंटेनर स्टार्ट करो, कंटेनर का डिव कमेंट करो, रो स्टार्ट करो, रो का डिव कमेंट करो, फिर इसके अंदर इस तरीके से काम करने हैं। नोट कर लें, आठ दिन के अंदर हमें एनी हाउ फर्स्ट पेपर कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो अभी सोच के चलो कि आप क्या बनाने वाले हो प्रोजेक्ट में। पहले कंटेनर, फिर इसके बाद कंटेनर का कमेंट, फिर रो का कमेंट, ये तरीका होता है लिखने का। और अगर आप बीएस कोड ओपन कर रहे हो तो राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, बताया भी था मैंने आप लोगों को, अगर फॉर्मेट सही सेट नहीं कर पा रहे हो तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। नोट कर लो थोड़ा लो, फिर कॉल MD4, फिर कार्ड, कार्ड के अंदर मैंने इमेज लगाई है ना, अल्ट लगा लो, अल्ट जरूरी होता है लगाना। फिर कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी में कंटेनर बटन, फाइल नाम भी नहीं आते सब लैब में, तो पहली क्लास ले रहे हो क्या? हाँ तो एसटी के नाम से बनेगी या क्या? तो वीएस कोड पे करो ना, वीएस कोड पे किस पे कर रहे थे तुम तब से? अच्छा अच्छा एसटी के नाम से बनेगी फाइल, बाकी सब लोग नोट कर लें इसको। बस एक जो वाला पार्ट नोट करना अंदर वाला, बाकी तो दोनों में सेम है, बाकी तो दोनों में सेम है। सागर फुटबॉल आए आज कि नहीं आए? आयो तो उस दिन आए नहीं फिर कॉलेज अगले दिन, उसे मैंने पूरी एंगुलर पर लाइव करवा दी वेबसाइट। अब दीपावली बाद बनेगा, ऑफलाइन पढ़ना आना पड़ेगा उसके लिए, और क्या। दीपावली बाद चालू होगा एंगुलर का नया बैच, मॉन स्टैक का। आप में जिसने भी मॉन स्टैक का रजिस्ट्रेशन किया हो उसके पास कॉल आ गया, मैसेज पहुंच गया? पहुंच गई, ठीक है। कल से स्टार्ट होगा नाइट में 10 बजे है ना मंथ स्टैक का, जिसको भी ज्वाइन करना हो। क्या नाम बताना, तुम ग्रुप में तो ऐड हो ना? नहीं हो ऐड? मुझे लगा तुम ऐड हो, तुम्हें अभी आलिख के भेज देना, अभी मुझे आलिख के भेज देना, लिस्ट में नाम तो था तुम्हारा। और भी कोई जिसको माइंड स्टैक करना हो, नाइट में 10 बजे क्लास स्टार्ट होगी कल से, 10 से 11।
सागर तुम कौन से वाले बैच में हो मान के? जब नहीं कर रहे हो ठीक है। नोट हो जाए बता देना। इतना नोट हो जाए। नोट हो जाए बता देना। नोट हो जाए बता देना। हो गया बाकी लोगों का। जल्दी कर लो बाकी तो कॉल एमडी फोर में सेम ही चीज दोनों में।
हो गया। ठीक है लो हो जाए तो बता देना। अच्छा हो गया नोट। नोट कर लीजिए, थोड़ा रह गया होगा। पी में कुछ भी लिख लेना आप लोग। हो जाए तो बता देना। हो गया आप। हो गया। चलो अब यहां देखें सब लोग। इसके बाद दूसरे कॉलम डी फोर में देखो मैंने क्या किया। सब देखें यहां पे मैंने ये पार्ट हटा दिया अंदर का ये, और यहाँ पर लिखा था ना इमेज, ये डाल दिया। मैंने सिंपल ले लिया S3 में फॉर्म, ठीक है लिख दिया फॉर्म, लिख दिया मैंने इसके अंदर क्लास सेंटर वीजे इन्फो। देखो लिखा है फॉर्म। अब मैं इसके अंदर बना देता हूँ फॉर्म छोटा सा एक कार्ड के अंदर। फॉर्म स्टार्ट किया, फॉर्म बंद किया, फॉर्म सिखाया था मैंने आप लोगों को। इसको क्लास MB3 फॉर्म सिखा चुका हूँ ना ना, लेवल नेम साथ साथ नोट कर लो, टाइप में टेक्स्ट साथ साथ नोट कर लें। क्लास फ्रॉम कंट्रोल
और इसके बाद निबंध, उसी में कर लो ना, तीन तीन है ना, चार है ना, कॉलमनी फोर, कॉलमनी फोर, एक कॉलमनी फोर में ये वाला काम हो गया, दूसरे कॉलमनी फोर में फॉर्म बन जाएगा। नेम, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड बी डॉट ओ डॉट वी, डेट, लास्ट सेक्शन ले लेता हूँ, इतनी काफी है। तो इन चीजों की तो नीड रहेगी हमेशा, ऐसी है, सिलेक्ट SEL PCT सिलेक्ट कॉलेज, इसमें कॉलेज 7 साल लिखते जाओ, ऑप्शन MITS, ऑप्शन ITM, ठीक है। लास्ट में एक बटन दे देता हूँ, बटन सबमिट, फॉर्म माना सबको आना चाहिए बूट स्टेप के अंदर। VTN, VTN प्राइमरी, देखो जी बन गया फॉर्म। इसके अंदर क्लास कॉल कर देता हूँ एक, इसके अंदर क्लास फ्रॉम कंट्रोल, देखो बन गया फॉर्म, सब देख लें, ठीक है, नोट कर लो उसको भी। ठीक है, जब भी बैकएंड पे काम करोगे तो बूट स्टेप ही यूज होगा पूरा उसमें, आई माइनस स्टैक में जो काम करोगे। MySQL की क्लास ले, यहीं से तो स्टार्ट होगा, ऊपर से कहाँ, यहीं से तो स्टार्ट है। MySQL की क्लास लेते हो संडे को सब लोग, सारे ले रहे हैं कि एक दो ही ले रहे हैं, फ्री में मिल रहा है तो सब लोग ले लो, उसके पैसे तो लग नहीं रहे हैं आप लोगों से MySQL सिखाने के। और जिसका छूट गया है, YouTube पर वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने, वीडियो देख लो, जिसका छूट गया हो, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है माई एसक्यूएल के नाम से, सैटरडे संडे के दोनों वीडियो अपलोड है उसके अंदर, और बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, पूरा सिखाऊंगा, पूरा ज्वाइन है सब कुछ। सैटरडे संडे 9 से 10 क्लास चलती है मॉर्निंग में, आपके बहुत काम आएगा इंटरव्यू में। आज भी TCS का इंटरव्यू हुआ था, उसमें पूछा गया था MySQL, क्योंकि MySQL हर कोई पूछता है, DBMS की क्वेरी हर कोई पूछते हैं, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके सिलेबस में है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों का इंटरव्यू चल रहे हैं, कम से कम उनका DBMS तो अच्छे से हो जाए। प्रोजेक्ट सोच लो कौन सा बनाना है आप लोगों को, नेक्स्ट मंडे मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या बनाने वाले हो आप लोग प्रोजेक्ट, वही प्रोजेक्ट आप लोगों का सर्वर पे लाइव होगा, उसी प्रोजेक्ट को देख के आप लोगों को इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, सब कुछ उसी प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा आप लोगों का। और उसमें कम से कम 5 पेज होने चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, कोई टेम्पलेट यूज नहीं करोगे आप लोग, कोई बनी बनाई टेम्पलेट यूज नहीं करोगे, टेम्पलेट ले लिए उसमें चेंजेस कर लिए, खुद से बनाओगे। अगर टेम्पलेट यूज करनी थी तो इतना सीखा क्यों, पर हमने 3-4 महीने,
ठीक है, बूटस्ट्रैप का यूज करना, सीएसएस का यूज करके वेबसाइट डिजाइन करना, खुद से लाइव करना मैं सिखा दूंगा। लाइव कैसे होगा, उसी को देख के ही आपको वेबसाइट आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। फिर जावा स्क्रिप्ट चालू होगा, फिर जावा स्क्रिप्ट सिखाने के बाद जावा स्क्रिप्ट का यूज करना सिखा दूंगा वेबसाइट के अंदर। आप जो वेबसाइट बनाओगे ना, उसमें जावा स्क्रिप्ट का भी यूज होगा। हाँ जी, किसमें, मन में? हाँ, पूरा 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 ई कॉमर्स बनेगा। 4 से 5 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट रहते हैं नोड जेएस में, मतलब एक्सप्रेस पे, 2 रहते हैं रिएक्ट पे, 2 रहते हैं एंगुलर पे, ऐसे रहते हैं 6 प्रोजेक्ट। ठीक है, एंगुलर के लिए ऑफलाइन आना होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लाइंट पे प्रोजेक्ट पे काम कराया जाता है बुला के। जैसे आप सीख गए, अच्छा काम करने लगे नोड जेएस पे भी, तो ऑफिस में बच्चे बैठते हैं सीनियर्स, उनके साथ बैठ के आप काम कर सकते हो। 8 बजे आते हैं, 12 बजे जाते हैं, 12-1 बजे तक बच्चे बैठते हैं, तो उनके साथ प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाओगे। पीयूष पचौरी आ रहा है इसमें? पीयूष पचौरी, कौन सी, किसकी, बूट स्टेप की? मुझे तो याद नहीं है कौन सी है, तो यूट्यूब पर जाकर देख लेना पड़ेगा वीडियो। नोट कर लो जल्दी सब लोग। स्लैटर बनाना, स्लैटर कैसे बनाते हैं, नेम बार कैसे बनाते हैं, बूटस्ट्रैप का, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा हॉस्पिटल में। होम पेज पूरा मैं बनवाऊंगा और बाकी सारे पेजेस आप लोग बनाओगे बैठ के। हॉस्पिटल जब आप बनाना बना लोगे ना पूरी, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ अब आपको कितना अच्छे से आ गया काम करना, तो आप बोलोगे कि सर अब मुझे बहुत अच्छे से काम करना आ गया, अब सर मेरे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि कैसे एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप मिलकर काम करते हैं साथ में, है ना। और फिर उसके बाद आप खुद की अपनी वेबसाइट बहुत आसानी से बना लोगे, फुल रिस्पॉन्सिव बना लोगे। मतलब दीपावली तक आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे आधा काम कर लेना है, दीपावली तक। दीपावली 22-23 की है ना, मतलब आपके पास कितने दिन है, 16-17 दिन है। नेक्स्ट मंडे से आप लोग अपनी वेबसाइट पर काम करना स्टार्ट करोगे। नोट हो गया, फॉर्म बूट स्टेप में सबसे मेन है ग्रेड सिस्टम, और आपको ये ग्रेड सिस्टम अच्छे से पता है, कंटेनर फ्लोट कॉलम, और स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो, डिप कमेंड कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बूट स्टेप के अंदर। क्या, कहाँ पर? नहीं, पूरा पूरा बी पूरा वीएस कोड सब लैम, सिर्फ डिजाइनिंग दे रखता हूँ उसमें, वो तो अब बूट स्टेप में चालू कर दिया। वैसे तो मैं डिजाइनिंग तक सिर्फ सब लैम सिखाता हूँ, बेसिक होता है ना, बेसिक लेवल चलता है। जब वीएस कोड चालू करता हूँ, जब मैं नोट जेएस पढ़ाना चालू करता हूँ, तो वहाँ से फिर पूरा वीएस कोड ही चलता है। क्या होता है, सिस्टम की फिर हार्ड डिस्क बढ़वानी होती है, तो ये अभी आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा जब आप काम करोगे, तब तो आप कहोगे सर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए पहले सब लैम्प ही कराता हूँ। हो गया सबका, इतना इतना कर लिया। बोलो, और कोई नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो फर्स्ट पेडल, तो नेब बार, ये नेब बार मैं बनवाऊंगा, स्लाइडर मैं बनवाऊंगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आपको दिख रहा है वेलकम टू फर्स्ट पेडल लिखा हुआ, ये कंटेंट, ये फोटो, ये बटन, ये पार्ट बनाना मैं सिखा रहा हूँ, और आपको घर पे इसी पार्ट की ही प्रैक्टिस करनी है। टास्क सब क्या है, इसी ही पार्ट जो मैं बनवा रहा हूँ, इसी पार्ट की आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो कैसे आते हैं,
और चलता हूँ मैं कहाँ पर, वीएस कोड पे, सब लैम पे, सब देखें यहाँ पे। वी के अंदर ही आ जाता हूँ, इसी में आ जाता हूँ। चलो मैं ये सब हटा देता हूँ। देखो अब देखो मुझे ये बनाना है, ये वेलकम पूरा ये पार्ट। तो देखो सबसे अच्छा तरीका, इस वेबसाइट को मैंने सबके लिए, आपके लिए नहीं, हर बैच में मैं ये हॉस्पिटल पे काम करवाता हूँ हर बच्चे से। आपको सपोर्ट कैसे मिलेगा, तो आप क्या करना है, जैसे आपको ये पार्ट बनाना है, ये वाला पार्ट, तो आपको दिख रहा होगा है ना कैसे क्या बनेगा, दोनों साइड से गैपिंग हुई है ना, कैसे बनाओगे। तो राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना, सब लोग एक तरीका सिखा रहा हूं, बस कोड को पेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो देखो, अब देखो यहां पे दिख रहा होगा आपको, कंटेनर स्टार्ट, कंटेनर फ्लोट, ये वेबसाइट एंगुलर पे बनी हुई है पूरी, ठीक है ना, एंगुलर पे। तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, दिख रहा है स्क्रीन पर, कंटेनर फ्लोट, फिर कंटेनर, फिर H2 लिया हुआ है इसके नीचे, टैग सेंटर कर रखा है, दिख रहा है सबको, वेलकम टू फर्स्ट फिडल, फिर नीचे आओ, फिर वी लगा रखा है, फिर डिव के अंदर रो बनाई, रो के अंदर ये रखा है कॉल MD7, और ये रखा है कॉल MD5, और कॉल MD5 में क्या रखा है उन्होंने, इमेज। देखो दिख रहा है इमेज कॉल MD5 के अंदर, इसका कोड कॉपी पेस्ट मत करना गलती से भी। अगर आपने कोड कॉपी पेस्ट किए, मतलब आप खुद से कोड करो, देख लो यहां से, इसीलिए मैं देता हूं वेबसाइट, आप यहां से देख सकते हो कि ये सेक्शन कैसे बनेगा, इसमें क्या CSS यूज हो रही है, वो आप सब देखो, आप यहां से CSS कॉपी कर लो है ना, वो आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि यहीं से कोड उठाया चिपका दिया, बताइए समझ में। यहां से आपको हेल्प मिल जाएगी बनाने के लिए। अब जैसे देखो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ ये सेक्शन, तो आपको एक अंदाज मिल जाए। इस वेबसाइट में HTML भी यूज है, CSS भी यूज है, बूटस्ट्रैप भी यूज है, मतलब फुल कंप्लीट वेबसाइट है, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। ये बन गई तो आपकी डिजाइनिंग अच्छी हो गई। तो क्लास लिया मैंने कंटेनर फ्लोट, देखो आप लोग सब लोग यही सेम टास्क आपको घर से करना है। एंड इसके बाद डिप के अंदर क्लास में एक कंटेनर नाम का, देखना कितना अंतर आएगा। अब आप यहां देखो बूट स्टेप से और खुद की CSS से कितना डिफरेंस आएगा प्रोजेक्ट में। एंड फिर इसके बाद डिप के अंदर क्लास में आई, और क्लास से पहले अपन क्या करना था, यहाँ पे H2 स्टार्ट करना है, H2 बंद करना है। अब इस H2 में देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ आते हैं ये लिखा हुआ है, देखो H2 में, इस H2 में क्या लिखना है, वेलकम टू फर्स्ट हॉस्पिटल। तो मैं ये वेलकम टू हॉस्पिटल यहाँ से कॉपी, अरे ये कॉपी करता हूँ और इसके बीच में यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और VR कहाँ दे रखा है, देखो इन्होंने यहाँ पे VR दे रखा है, वेलकम टू के बाद बी टैग, तो वेलकम टू के बाद हमें लगा रखा है बी टैग, ये बी टैग, और ये बी टैग यहाँ बंद कर रखा है, ठीक है। ऐसे देख सकते हो आप लोग कि कैसे बनाया है। और फिर उन्होंने क्या किया, H2 पे टैग सेंटर किया हुआ है, देखो तो हम भी कर देते हैं, H2 के अंदर क्लास बना के टैग लाइन सेंटर किया। फिर उन्होंने देखो एक क्लास बना रखी है ML1 नाम की, एक क्लास, इस क्लास पे क्लिक करके देखो क्या हो रहा है, ऐसे चेक करना है आपको। अच्छा इस पर पैडिंग लगा हुआ है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगा हुआ है, फॉन्ट फेम लगा हुआ है, लेटर स्पेस, जिस सारी क्लास आप लोगों को पता है पहले से, पता ही नहीं, पता है सबको पहले से ही। अब कौन आया इस टाइम पे, ठीक है। मैंने कॉपी किया, अब मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ स्टाइल डॉट ए कर दिया मैंने और पेस्ट कर लिया, ठीक है। और डॉट ए को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ इसके साथ में, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैं कर लिया, कॉल कर लिया। अभी चेक करता हूँ क्या बना इससे, देखो इतना बन गया, आ गया वेलकम टू फर्स्ट हॉस्पिटल, फर्स्ट हॉस्पिटल में कलर नहीं आ रहा, देखो तो कलर ने क्या, कौन सा कलर दिया है, इन्होंने ये वाला कलर दिया है, देखो ये कलर, ये कलर,
कलर मैं अपने से लगा लेता हूँ वीक के अंदर ऐसे स्टाइल वाला कलर। तो अब चेक करते हैं, देखो इतना पार्ट बन गया, दिख रहा है सबको कैसे बनाया, सिंपल था। अब देखो अभी सब आप पढ़ चुके हो पैडिंग क्या होती है, ये सब आप पढ़ चुके हो है ना। इस तरीके से आपको देखना है कि कैसे काम हो रहा है। अब मुझे ये पार्ट बनाना था, फिर देखो उन्होंने वीआर टैग लगाया, फिर डिप बनाया, तो अपन भी इसके नीचे आते हैं, वीआर लगाया, फिर डिप के अंदर एक क्लास बनाई रो नाम की, फिर रो को बंद किया, फिर यहाँ पे कमेंट लगाया। कमेंट लगाना बहुत जरूरी है, और अब एक भी दिन की गलती छुट्टी मत कर देना फर्स्ट पिडल में। फर्स्ट पिडल में अगर आपने छुट्टी कर दी तो आपको नया बैच लेना पड़ेगा, दूसरा बूट स्टेप वाला। डिप के अंदर क्लास बनाई कॉल MD7 है ना, क्योंकि वो बड़ा है ना, ठीक है, कॉल MD7 लिया। देखो यहाँ पे यार इसका साइज बड़ा है ना, देखो बिट इसकी, तो मैं 7 ले लिया, और इसकी छोटी है तो मैंने 5 में ले लिया। फॉर्म भी कर लेता हूँ, ये ले लिया मैंने 5 के अंदर, 5 में ले लिया, ठीक है। देखो इतना बन गया, हाँ दिख रहा है ना यहाँ पे 5 और 7। इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ से स्पेक्ट एलिमेंट का देखते रहो कैसे बनना है आपको। मैंने कहा ना अगर आपने फर्स्ट पिडल बना ली समझ समझ के, तो आप खुद की वेबसाइट बना लोगे। अगर आपने फर्स्ट पिडल अच्छे से नहीं बनाई तो आप खुद की वेबसाइट नहीं बना पाओगे, और उसी टाइम मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने फर्स्ट पिडल सोच समझ के नहीं बनाई थी, आप तो देखते गए छापते गए। फर्स्ट पिडल भी डिपेंड करेगा पूरा आपका प्रोजेक्ट, इसलिए बहुत अच्छे से बनाना इसको, देख देख के कैसे क्या लग रहा है क्या हो रहा है, वतना नहीं कुछ भी। तो मैंने पी टैग ले लिया, टेस्ट कर दिया, ठीक है, और फिर इस वाले में इमेज ले ली, इसी वाली इमेज ले लेता हूँ, इमेज एड्रेस ले लिया, ये वाले इमेज का एड्रेस, और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या बन क्या है हमारे में, इतने में देखो ये बन के आया, दिख रहा है सबको। और पहले देखते हैं कि इतना रिस्पॉन्स है कि नहीं है, ये किससे बन के आया, बूट स्टेप की कला, बूट स्टेप से। अरे हमने खुद की CSS नहीं लगाई, खुद की CSS तो हमने इतनी लगाई बस इतनी है ना। अब इनके डिजाइन देखो अपने डिजाइन में कितना अंतर है, अंतर दिख रहा है, डिजाइन देखो अंतर दोनों डिजाइनों में, सब लोग दोनों के डिजाइनों में कितना अंतर है देखो आप लोग, यहाँ पर देख लो डिजाइन देख लो अंतर निकी, इनका देखो इनके इमेज देखो अंतर है ना, हमारे में अंतर देखो। तो पहले इतना देख लो कि रिस्पॉन्सिव हो भी रहा कि नहीं हो रहा है, तो हम लगे बनाने में। अगर रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है तो आपकी पूरी मेहनत बेकार है, बात समझ आ रही है। देखो हमारा रिस्पॉन्स ही चल रहा है देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ गड़बड़ कर रहा है, देखो ये इमेज दिख रहा है, इमेज गड़बड़ कर रही है, सब लोग आप लोग देख सकते हो इमेज देखो यहाँ जा रही है अंदर, इस साइड गया इस साइड नहीं है। सीख लो भाई रिस्पॉन्सिव चेक करना अच्छे से, देख लो आप लोग इमेज कहाँ जा रही है इस तरीके से ना। तो ये अब सही करते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आता हूँ इसके अंदर। अब इन्हें देखता हूँ इन्होंने इसकी कितनी विथ ले रखी है, इन्होंने इसकी कितनी विथ कर रखी है विथ इमेज की, तो उतनी विथ अपन कर लेते हैं। इन्हें ले रखी विथ 80% ले रखी, देखो दिख रहा है आप लोगों को विथ 80%। तो मैं भी यहाँ पे स्टाइल विथ कोलन 80% ले रखी उन्होंने। अब चेक करें देखो सही हो गया, दिख रहा है, मगर देखो सिंपल सही हो गया, रिस्पॉन्सिव तो कम से कम हो गया, एरर तो नहीं आ रही। अब सही, अब थोड़ा इसको सेट करना है ना, जैसे इनका जैसा है, देखो ये इनके जैसा थोड़ा सेट करना है मुझे। तो अब देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कॉल MD5 पे एक क्लास लगाई है टैग सेंटर की, अपने में चिपक रहा है ना, इनके में थोड़ा स्पेसिंग है, तो उन्होंने इस पर एक क्लास लगा दी टैग सेंटर। अब थोड़ी सी गैपिंग आ जाएगी देखना, तो आई गैपिंग देखो इनके में गैपिंग आ गई दोनों के में। अब इन्होंने क्या किया, इस पैराग्राफ पे भी कुछ काम किया, देखो ये देखो पैराग्राफ पे कुछ काम किया, क्या काम किया इस पैराग्राफ पे ने, देखो पी के अंदर टैग्स जस्टिफाई कर रखा, एक क्लास ने कॉल कर रखी है बैनर कंटेंट,
ये क्लास क्या कर रही होगी अपन देखे चल के। देखो ये क्लास ये काम कर रही है, देखो लोग ये लगी क्लास इनकी, तो मैं यहाँ से ये क्लासें कॉपी कर लेता हूँ। देखो सबको पता है क्लासें क्या करती हैं, लाइन हेड आपको पता है, लेटर स्पेसिंग पता है, वर्ड स्पेसिंग पता है, पैडिंग पता है, ये सारी क्लासें आप लोगों को पहले से ही पता है। तो ये मैंने क्लास लिया और यहाँ पे आया, मैंने लिखा डॉट बी और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये क्लास मैंने स्पीक के अंदर कॉल कर दी पी। अब देखते हैं, देखो अंतर आ गया, देख लो सब लोग। तो ये बात समझ में आ रही है कि खुद की सीएसएस के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते सब लोग। अगर आपको खुद की सीएसएस अच्छे से नहीं आती है तो कस्टमाइजेशन कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे आप लोग। पार्ट क्लियर हुआ इतना, ये बाकी लोगों को लग रहा है बस तुम्हें अकेले बैच करना पड़ रहे हो। रीड मोर, यही को यही जो पढ़ा रहा हूं यही बनाना है आपको दोबारा है सबको। और रिस्पॉन्सिव जो मैंने अभी किया है ना, सेम काम आप करोगे घर पर बैठ के। ये बटन आगे देखो बन गया इतना सेक्शन रेडी हमारा, इनका बना हुआ देख लो, ठीक है ये बन गया और रिस्पॉन्सिव भी है पूरा। ये क्लियर हो गया इतना बात सबको।